सही है सही। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट एंड इंट्रा वर्कआउट। यानी कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि भाई उस्मान आप ये बताएं कि आप जो है प्री वर्कआउट में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या प्री वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। तो मैं आपके साथ वही वीडियो जो है शेयर करने लगा हूँ। वीडियो कोई बहुत ही लंबी नहीं होनी, माड़ी जी छोटी जी वीडियो है आप लोगों के लिए, सिर्फ नॉलेज के लिए। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप कुछ भी लें। तो मैं पीने वाला था तो चलो मैंने क्या सुना है आप लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैं ट्रेनिंग करता हूँ जल्दी। और मैं जो यूज़ करता हूँ वो ये आपके सामने रखा हुआ है। और बाकी आपने खुद कोई सप्लीमेंट बाय करने हो तो मान न्यूट्रिशन का नंबर नीचे दिया हुआ है, कहीं और से नहीं ले रहे, कहाँ से ले रहे हैं, मान न्यूट्रिशन से ले रहे हैं। और बाकी मुझसे कोई बातचीत करनी हो और व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, लिंक दिया हुआ है। और ये जो स्कूप है ना, ये इसका नहीं है, मेरे ना शगिर्द बड़े, अल्लाह माफ़ करे, बड़े ज़ालिम बंदे थे वो, मेरे स्कूप मेरे डब्बे कुछ ना कुछ ले जाते हैं, तो इसलिए हमने स्कूप कोई और डाला हुआ है। और ये हमने डाल दिया स्कूप इसमें, ये ठीक है ब्लू रेज, ये फ्लेवर है। तो जी प्री वर्कआउट में जो मैं पीने लगा हूँ वो ये है, क्या नाम है, नो एक्सप्लोर। अब आपकी मर्ज़ी, आप नो एक्सप्लोर ले लो, कस ले लो, साइकोटिक ले लो, बेशुमार सप्लीमेंट्स हैं, बट मैं इस दफ़ा इसको ट्राई कर रहा हूँ। वैसे मैं चेंज करता रहता हूँ। और अभी जो है प्री वर्कआउट आपको दिखा दी है, और अभी जो है थोड़ी देर बाद जो है जब मैं ट्रेनिंग आधे घंटे के बाद इसको करूँगा, फिर हम BCL वगैरह भी यूज़ करेंगे, जो भी इंट्रा वर्कआउट में होगा, पोस्ट वर्कआउट में होगा, सब कुछ आपके साथ शेयर करें। ठीक हो गया, तो फिर नेक्स्ट क्लिप का इंतज़ार करो। बाकी आपने कोई सैंडो लेनी हो, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, जिम वेयर, कोई भी सामान लेना हो, कहीं और से नहीं लेना, कहाँ से लेना है, मान स्पोर्ट्स वेयर से। व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया है, ठीक है, आ जाओ फिर। थैंक यू। चलो दोबारा, पहले प्री वर्कआउट था, अब आपको इंट्रा वर्कआउट दिखा देते हैं, यानी ड्यूरिंग वर्कआउट करते हुए जो है मैं कौन सा वाला सप्लीमेंट लेता हूँ। तो भाई देखें, ड्यूरिंग वर्कआउट जो सबसे बेस्ट है ना वो यही है कि BCS यूज़ करें। BCS यानी कि ब्रांच इन अमीनो एसिड। अब आपकी अपनी मर्जी है, जिस मर्ज़ी कंपनी का ले लें। मैं तो एक्सटेंड की यूज़ करता हूँ, अभी ये ख़त्म हो गया था, तो मैं क्या चलो आज नवा डब्बा खोल लेते, तुम भी दिखा देने। तो आप इसका एक स्कूप जो है, एक सर्विंग ले सकते हैं। वैसे तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट में भी इसे यूज़ करता हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद। तो पर वही गल है, महंगा एक्सपेंसिव है, तो तुम ट्रेनिंग तो बाद ले लो, तो सुबह ले लो। अब इसका स्कूप मिल जाए बस किसी तरह, स्कूप लग जाओ है, मिल गया मिल गया मिल गया। बाकी आपने कोई सप्लीमेंट लेने हो किसी भी तरह की, तो नंबर जो है वो दिया हुआ है, ये देखो ये निकला है इसको, जाया ना हो यार, ये आ गया। एक स्कूप लें, पानी में डालें, मिक्स करें, और बाद में बस फिर ट्रेनिंग करते जाओ, एक एक सिप लाते जाओ। ठीक हो गया, तो हम अपनी बाकी की ट्रेनिंग भी कर लें, क्योंकि देखो इस टाइम जो है ना, मैंने क्या है, लीन मसल बिल्डिंग करनी है। पहले मैंने आप लोगों को करके दिखाया था बल्क वाला, जिसमें कोई जो भी था आप लोगों के सामने था, बट अब तो जो भी है सारा लीन मसल बिल्डिंग हो रही है, मस्कुलरिटी मस्कुलरिटी हर चीज़ A1 है। तो इसी तरह लेके चलनी है, इस साल आप लोग इसी कंडीशन में देखेंगे, तो फिर उसके लिए ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं, तो तुझे अफोर्ड कर दे तो ज़रूर लो, नहीं तो फिर नींबू पानी पियो। सही है कि नींबू पानी, बस एक एक स्किप लगा दे रहे सारी ट्रेनिंग करें, बाकी भी आपको पोस्ट वर्कआउट बाद में दिखाएंगे। लो जी प्री वर्कआउट भी दिखा दी आपको, पोस्ट वर्कआउट भी दिखा दी आपको, नहीं इंट्रा वर्कआउट, बाकी ये कुछ रह गया था, इसमें मैंने और पानी डाल दिया क्योंकि मैंने अपना पोस्ट वर्कआउट लेना था। पोस्ट वर्कआउट में जैसा कि मैं इस टाइम जो है बताया आपको, ज़रा लो कार्ब्स पे चल रहा हूँ, तो इस वजह से डेमाटाइज़ का ISO 100 जो मैं यूज़ करता हूँ। और वैसे आप ISO किसी भी ब्रांड का ले लो, लेकिन अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, गेनिंग कर रहे हो, तो फिर आप ज़रूरी नहीं है कि ये ISO वाले लें आप, फिर आप दूसरा भी कोई आइसोलेट कोई भी ले सकते हो। तो बहरहाल अभी हमारे पोस्ट वर्कआउट की बारी है। अब ये देख रहे ना,
ड्यूरिंग वर्कआउट भी क्या मिला, ब्रांचिन अमीनो एसिड, पोस्ट वर्कआउट में भी दोबारा से ब्रांचिन अमीनो एसिड। इससे क्या होगा कि जब आपका मसल साइज इंक्रीज होगा ना ये वाला, तो इससे क्या है, ये सारा जितना भी जाएगा इसमें अमीनो एसिड्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा जमा होंगे और आपकी मसल्स की रिकवरी अच्छी होगी। और अगर आप यही बाद में जाके केलों का मिल्कशेक पियेंगे, बनाना चढ़ाएंगे, तो बाबा जी फिर तुझे फूल नहीं है, फिर थोड़े मसल थोड़ी नज़र आने और उससे फिर गेनिंग होगी बस। बारह मैंने तो अपना शेयर कर दिया आपके साथ, अपना प्री पोस्ट एंड ड्यूरिंग वर्कआउट, हूँ ताकि मर्जी जो मर्जी पिए, जो मर्जी खाएं और मुझे उड़ाएँ। बहरहाल मैं अपना जो है शेक इंजॉय कर लूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। सप्लीमेंट बाय करना हो तो मान न्यूट्रिशन के अलावा कहीं नहीं जाना, जे तुम गए तो तुम फड़ लेना सी। व्हाट्सएप का नंबर जे दिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़। मान फिटनेस।